अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिंगाड़े की सब्जी, जो बहुत हेल्दी भी और टेस्टी भी है। बहुत ही कम मसालों से बनी है। सिंगाड़े की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सिंगाड़ों की सब्जी हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम सिंगाड़े लिए हैं। वैसे भी मार्केट में अब ताज़े सिंगाड़े आ रहे हैं, और ये सब्जी जो हम बनाने जा रहे हैं आज, ये कच्चे सिंगाड़ों से बनती है। अब हम इन सिंगाड़ों को सभी को इस तरह से छील लेंगे। ये वैसे हाथ से आराम से बड़े आसानी से सिंगाड़े छिल जाते हैं। हम छिल करके इस तरह से सारे सिंगाड़ों को तैयार कर लेंगे। सभी सिंगाड़ों को हमने छील करके और धो करके तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें काटेंगे, इस तरह से काटेंगे। सभी सिंगाड़ों को हम इस तरह से काट लेंगे। सिंगाड़ों की सब्ज़ी ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है, और शुगर वाले के लिए भी बहुत अच्छी है। सभी सिंगाड़ों को हमने काट करके तैयार कर लिया है। एक हमने टमाटर लिया है, दो हमने हरी मिर्च ली है, एक हमने प्याज ली है। अब हम सिंगाड़े की सब्जी को पकाना शुरू करते हैं। सिंगाड़े की सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। एक स्पून भर कर डालेंगे हम देसी घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपने कटे हुए सिंगाड़े इसमें डालेंगे। सिंगाड़ों को हमें तेलो फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पे अपने सिंगाड़ों को सेलो फ्राई करेंगे हम। सिंगाड़े हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और अपने सिंगाड़ों को एक बर्तन में पलट लेंगे। कढ़ाई को फिर वापस से हम गैस पे ले आए हैं। दो स्पून भरकर डालेंगे हम देसी तेल, और तेल को गर्म होने देंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। हाफ स्पून के करीब हमारा ये जीरा है, जीरा हम इसी में ऐड कर देंगे और जीरे को चटकने देंगे। एक चुटकी हमारा हींग है, हींग भी इसी में ऐड कर देंगे। एक प्याज को हमने बारीक बारीक काट के रख लिया था, ये भी प्याज हम इसी में ऐड कर देंगे, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन तक भुनेंगे। प्याज हमारे अच्छे से भुन चुकी हैं, और हमारे प्याज का भी रंग अब चेंज हो गया है। हाफ स्पून के करीब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी हम इसी में भून लेंगे। लहसुन अदरक की हमारी स्मेल निकल जाए। और ये दो हमने हरी मिर्च काट करके रखी थी, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और एक हमारा टमाटर है, ये टमाटर भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और सभी हरी मिर्च और टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। हाफ स्पून के करीब ये हमारा नमक है, नमक भी हम इसी में ऐड कर देंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और अच्छे से गल जाएँ। प्याज टमाटर हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में कुछ हमने ये हल्दी ली है, हाफ स्पून के करीब हमारी लाल मिर्ची है, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। हाफ स्पून है हमारा ये सूखा धनिया, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे कुछ देर के लिए। मसालों को भी हमने अच्छे से भून लिया है, और मसालों ने हमारे अब तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपने फ्राए हुए ये सिंगाड़े डाल देंगे, और इसे अच्छे से अपने मसालों में मिलाएंगे। मसालों को हमने अपने सिंगाड़ों में अच्छे से मिला दिया है। आधा कप के करीब हम पानी डालेंगे, और इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, और इसे अब हम 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को पकते हुए। अब हम देखते हैं अपनी सब्जी को। सब्जी हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है, और ये अच्छे से गल चुकी है। बस इसी तरह की हमें सब्जी चाहिए थी। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में ये हाफ स्पून के करीब हमने ये चाट मसाला लिया है, और 1/4 स्पून है हमारा गरम मसाला, 1 चुटकी है हमारा ये काली मिर्च का पाउडर। सभी मसालों को हम अच्छे से चलाएंगे, और कुछ देर के लिए हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, ताकि हमारे मसालों का फ्लेवर हमारी सब्जी में आ जाए। ये कुछ हमारा हरा धनिया जो हमने काट करके रखा था, ये हरा धनिया भी हम इसी में ऐड कर देंगे, और इसे चलाएंगे। सिंगाड़ों की सब्जी अगर आपको हमारी अच्छी लगे, लाइक शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोज आपको हमारी सबसे पहले देखने को मिले। ये सूखी सब्जी आप अपने बच्चों को स्कूल में टिफिन में भी दे सकते हैं, आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं। और कितनी अच्छी हमारी सब्जी ये बनके तैयार हुई है। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।